नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल IAS एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है पूरे एक साल का बिहार का करंट अफेयर है। अगर इस पूरे साल की बात अगर करें, बिहार में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। इस वीडियो को आपको रटना नहीं है, बल्कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बार अपने कानों के पास हमारी आवाज को ले जाना है। उसके बाद आपका कमाल हो जाएगा, यकीन मानिए। फिर चाहे 8 तारीख को BPSC का एग्जाम होने वाला है, वहां भी काम करेगा। उसके बाद 15 तारीख को CDPO का एग्जाम होने वाला है, वहां भी सेम काम करेगा। और सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेंगे। आपको यकीन नहीं है तो कम से कम मेरे कहने पे एक बार दो बार कम से कम इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद एहसास हो जाएगा जब 8 तारीख और 15 तारीख को एग्जाम होगा तो सारे क्वेश्चन यहीं से वहां दिखेगा। जो देखेगा वो पाएगा, जो नहीं देखेगा बाकी वो हाथ मलते रह जाएगा। सोचना आपको है, हमारी जो कोशिश होती है, मैं अपना कोशिश अपने तरीके से कर देता हूं। अब बात रही आपकी कोशिश की, तो वो तो आपको ही करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी संस्था की तलाश में कर रहे हैं तो ऐसे में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है आपके पास में सियोर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और पूरे पटना में सबसे कम फीस में BPSC के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम बच्चों की तैयारी करवाते हैं। हम बच्चों को कभी पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हम बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चों को यहाँ पे ला के रामायण गीता महाभारत लिखवाते नहीं हैं, बल्कि हम बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं। अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, 9334710148। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन होगा, इतना कॉल आता है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको एट ए टाइम रिस्पॉन्स मिल जाएगा 24 आवर में, जब भी व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ साथ में अगर आपकी ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास जो है CDPO को एग्जाम के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं कि बस हिस्ट्री की क्लास लेना है, तो इस वक्त एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन सबसे कम फीस में पटना में सिविल सर्विसेज है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर नंबर डिस्प्ले हो रहा है, 9334710148। और इसके साथ साथ, यानी हिस्ट्री के साथ साथ, सोशोलॉजी की क्लासेस चल रही है, पॉलिटी की क्लासेस चल रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस चल रही है, हिंदी लिटरेचर की क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, LSW की क्लासेस चल रही है। आप जिसमें चाहते हैं उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम एक साल के बिहार करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो आपको जिलावार तरीके से आपको बताएं हर जिले में कौन कौन से ऐसे न्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने वही न्यूज को आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं। न्यूज तो बहुत सारा है, लेकिन हर चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो आपके सामने ला रहा हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला आवासीय स्पोर्ट एकेडमी, ये कहाँ पे है, पटना में खुला है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट एकेडमी जो है ये भी कहाँ है, पटना में ही खुला है। दोनों, पहला आवासीय पटना में, भारत का पहला आवासीय स्पोर्ट एकेडमी पटना में। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खुला है, तो पटना में। इसके साथ साथ भारत का पहला इनलैंड केटनर डिपो कहाँ पे खुला है, तो फतुहा में खुला, ये भी पटना जिला में ही पड़ता है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है ये भी पटना में ही खुला है। भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम जो है ये भी पटना में ही खुला। जब डॉल्फिन की बात करते हैं तो जब आपको भागलपुर लेके चलेंगे तो वहाँ भी चर्चा करेंगे, वहाँ फिर पटना की करेंगे, पटना में है तो भागलपुर की करेंगे। एकदम बाज की तरह बिना कुछ सोचे समझे एकदम ध्यान से एक बार सुन लीजिए, रटिए नहीं, हमारी क्लास रटने के लिए नहीं होती है। हमारी क्लास बस आंखों के सामने से और दिमाग में प्रिंट करने वाली होती है, बाकी सोचना आपको है। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम ये भी पटना में ही है। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक, ये नाम जो है माँ ब्लड बैंक, ये कहाँ है, पटना में है, ध्यान रखना। बिहार का पहला जीनोम सिक्वेंस लैब ये कहाँ पे, IGIMS पटना में ही है। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण जो किया गया है वो भी पटना में ही किया गया है। महावीर मंदिर के रसोई का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया गया है, ये कहाँ पे है, पटना में। महावीर मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, पटना में। बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्पेक्स जो है ये भी पटना में ही किया गया है। आइए चलिए थोड़ा सा देखते हैं, देश का पहला आपात शरण स्थल पटना में है। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय ये भी पटना, बस सुनते जाना है। बिहार का पहला फीस
फील्ड मील फतुहा में है। पटना कॉलेज का 160वां दिवस जो है 9 जनवरी 1963 को खुला था, आज 160वां दिवस मनाया जा रहा है पटना कॉलेज का। 100% उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला जो जिला है वो पटना है। बिहार का पहला प्रमंडल आसियाना नगर में, ये भी पटना में ही है। हेरिटेज फेस्टिवल 2021 का आयोजन जो हुआ है वो भी पटना में ही हुआ है। थोड़ा सा समझिएगा, गरिमा ट्रेड ट्रांसजेंडर हेतु ये कहाँ पे है, पटना में ही है। एचसी कार्यवाही को यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला कौन सा जिला है, तो ये ध्यान रखना पटना है। पांचवा न्यायालय पहला गुजरात, ठीक है ना, बिहार में एकमात्र जो है ये पटना हाईकोर्ट जो है ये पांचवा है। बिहार का एकमात्र तितली उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये भी पटना में ही है। जनहित कार्य करने में पहला स्थान लोक सेवा अधिकार अधिकरण अधिनियम के तहत किया गया, ये भी पटना में है। निर्माणधीन यानी कि अभी बना नहीं है लेकिन बनने के कगार पे है बापू टावर, बापू का मतलब समझ में आएगा, महात्मा गांधी 120 फीट का, ये भी पटना में ही बनने वाला है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज ये भी पटना में ही बनने वाला है। माल सलामी कम्युनिटी सेंटर ये भी पटना में बनने वाला है। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी ये भी पटना में निर्माण है, निर्माण चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये भी पटना में है। कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय बजट 2022 और 23 में किया गया, ये भी पटना में ही है। और पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा ये भी पटना में ही है। इतना अगर पटना को जानते, क्योंकि पटना राजधानी है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा डाटा लेके आपके सामने लाया हूँ। अब जो दूसरा हमारा सिटी है वो है भागलपुर। आइए भागलपुर को देखते हैं, कोयले का भंडार कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में। बस जितना भी है जो सामने जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि सीधे भागलपुर। और मैंने बच्चों की तरह आपको समझा दिया, पूरा मैप आपके दिमाग में होगा बिहार का, कहाँ पे कौन सा जिला है। टोटल 38 जिला है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और मिडिल वाला पूरा ट्रिक के थ्रू मैंने आपको समझा दिया हूँ। अगर नहीं आपको पता है तो आप बिहार स्पेशल जो पूरा रात मैंने पढ़ाया था उसमें जाके देख सकते हैं। कोयले का भंडार कहलगांव में है। बिहार का पहला जैविक हाट जो लगा है ये कहलगांव में लगा है। पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यालय ये भी भागलपुर में ही है। ड्रैगन फ्रूट की खेती जो प्रशिक्षण दी जा रही है वो भी भागलपुर में ही दी जा रही है। कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला जो पहला राज्य है वो बिहार है। बिहार में कहाँ पे, तो भागलपुर में। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर धान की 3 प्रजाति सबौरा हीरा, सबौरा श्री और सबौरा शब, दोनों याद रखिएगा, हीरा श्री शब। हीरा सब पहनता है, जो श्री होते जो बड़े लोग होते हैं वही, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं नालंदा में, अपना खूबसूरत नालंदा की ओर चलते हैं। राजगीर में 3 दिवसीय आयुर्वेदिक पर्व का आयोजन नालंदा में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, किसको, नालंदा को किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को किया गया है। पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर कहाँ पे, नालंदा में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाए तो पता तो चले कि कितने लोग देखते हैं और कितने लोग सजग हैं। चाहे आप गूगल बाबा से सर्च कीजिए, बताइए फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है, क्लियर है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बना है, और राजगीर भी नालंदा में ही है, क्लियर है ना। आइए थोड़ा बेगूसराय की ओर चलते हैं। राज्य का पहला ड्रोन के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल किया गया। ड्रोन के मतलब माध्यम से, उसमें पेस्टिसाइड मतलब जहर जो किया गया कीटनाशक का, वो यहीं पे किया। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में। इसके साथ साथ में प्लास्टिक पार्क बेगूसराय में। पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म जो दिया है वो भी कहाँ पे दिया है, बेगूसराय में। अब आते हैं थोड़ा सा कैमूर भभुआ। अब आप मुझे बताइए कैमूर जो है किधर है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर दक्षिण में है, या फिर पूरब पश्चिम में है, बताइएगा मुझे। यहाँ पे जो है दुर्गावती डैम इको टूरिज्म जो है वो बनाया गया है, कहाँ पे, कैमूर में। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी चंपारण, बिहार का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन जो किया गया पूर्वी चंपारण में। पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्रिप कहाँ पे किया गया है, तो पूर्वी चंपारण में। रग्बी खेल को गोद लेने का फैसला किया किसने, पूर्वी चंपारण। रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये मुझे बस बता दीजिएगा, इसके सिवा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना। प्रथम 100% डोज देने वाला 18+ आयु बिहार का पहला जिला जो बना वो कौन बना, चंपारण बना। आइए किशनगंज पहुंचते हैं। ये किशनगंज वही है जहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है, ये किशनगंज वही है जहां पे पहला एकमात्र बिहार का जिला जहां पे जो है
चाय की खेती की जाती है। राज्य का पहला फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी का प्रमाण पत्र जो मिला वो किशनगंज, अभी जस्ट बताएं। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला जो बना वो किशनगंज बना। टिशू कल्चर लैब यानी कि अनानास के उत्पादन का जो बना वो कहाँ पे बना, किशनगंज बना। आइए पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक जो हुई वो कहाँ पे हुई, पश्चिमी चंपारण में हुआ। पहला टेक्सटाइल पार्क यानी कि छनपटिया में, पश्चिम चंपारण के चनपटिया में किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, कहाँ पे, पश्चिम चंपारण पे। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए गोपालगंज, जैसे गोपालगंज आता है नाम दिमाग में सीधे दौड़ जाता, छप जाता, थावे वाली माता जी प्लड 5 कोट भवन बना है, कहाँ पे, तो गोपालगंज में बना है। आइए पूर्णिया की ओर चलते हैं, ये पूर्णिया वही है जहाँ पे साक्षरता दर महिला हो या पुरुष हो दोनों का सबसे खराब स्थिति में पहुँचा हुआ है, यही पूर्णिया की बात कर रहे हैं। देश का पहला बड़ा जूट और फाइबर पार्क बनने वाला पूर्णिया ही है। देश का पहला जिला जहाँ सभी ग्राम पंचायतों को पुस्तकालय की शुरुआत की गई, जितने भी ग्राम पंचायत थे सब जगह पुस्तकालय की शुरुआत की गई पूर्णिया में। अब पुस्तकालय से रटना क्या, सोच लेना है, वहाँ सबसे ज़्यादा निरक्षर लोग बैठे हैं तो पुस्तकालय की ज़रूरत ही होगी, तभी तो उसको साक्षर बनाएंगे। सोचिए ना, मज़ा आएगा, ऐसे पढ़िए तो मज़ा आएगा। राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो किया गया है वो कहाँ पे, पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट। एथेनॉल कहाँ पे यूज होता, थोड़ा सा एक बार अगर देख लीजिएगा ना गूगल में, उसके बाद लाइफ टाइम याद हो जाएगा, पूर्णिया में है। बिहार की का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पे, पूर्णिया में। कर्ज देने में सबसे आगे जो है वो कौन है, पूर्णिया। कर्ज देने में सबसे आगे अगर कोई है तो वो कौन है, पूर्णिया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं वैशाली, वैशाली में चलते हैं। भारत का पहला पूरी तरीके से पत्थर से निर्मित बुद्ध स्तूप जो बना है वो कहाँ पे, वैशाली में। राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर जो कि हाजीपुर में बनाया गया वो भी वैशाली में। सुपौल पहला कचरा मुक्त शहर अगर कोई बना तो वो कौन बना, सुपौल बना। 7 निश्चय योजना में इसका जो रैंक रहा वो फर्स्ट रहा सुपौल। ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है, लिखवा लो हमसे। खगड़िया कोरोना मुक्त पहला जिला बना खगड़िया, ये तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। खगड़िया याद ही होगा, बेगूसराय के बाद सीधे स्टेट में ले गए थे गड़िया को, जो ट्रिक से आपको समझाए थे गाड़ी ट्रेन से, तो याद रखिएगा खगड़िया। आइए नवादा, बिना वादा करने वाला है, इंडिया पोस्ट बैंक की सुविधा में प्रथम है। इंडिया पोस्ट बैंक में पता नहीं पोस्ट होगा या नहीं होगा, कोई वादा नहीं है, इसलिए याद रख लीजिएगा इंडिया पोस्ट बैंक नवादा में। नेक्स्ट है रोहतास, पुंडुका पुल का निर्माण करवाएगा जिसमें बिहार और झारखंड को जोड़ने का काम करेगा, और वो कहाँ पे करेगा, रोहतास में। और रोहन याद आ रहा है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा बताइएगा, कैमूर के बाद रोहतास। आइए नेक्स्ट जो है भोजपुर, सीधे जैसे भोजपुर की बात आती है दिमाग में एक ही चीज़ आता है, 80 साल के बूढ़े 1857 में कुंवर सिंह ने जो तमाशा किए, जो आंदोलन किए, जो सदा सदा के लिए इतिहास ने अपने गोद में उसे जगह दिया, वही का बात हो रही है। पीएम आवास मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने में प्रथम रैंक जो मिला वो भोजपुर को मिला। आरा जंक्शन से भोजपुर पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर का विकास किया गया, वो भी भोजपुर में ही किया गया है। आइए थोड़ा गया चलते, जैसे गया की बात आती है दिमाग में वही बात घूमना शुरू होता है। ये गया वही है जहाँ पर भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 साल की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 35 साल की अवस्था में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में ही हुई थी। ये गया वही जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक ठंड दोनों इसी में पड़ता है। क्लियर हो गया। आइए राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाया जा रहा है गया में बनाया जा रहा है, डुंगेश्वर पर्वत को यहीं पे, दुर्गेश्वर पर्वत पर इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है, किसको, गया को, लैंड बैंक। पहला बंबू गार्डन बोध गया में, बंबू मतलब बांस जो होता है। जल जीवन हरियाली मिशन में पहला स्थान जो मिला वो गया को मिला। बुद्ध के शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रिमिंग बोध गया में किया गया। भारत का पहला नगर वन ब्रह्मन वन ये भी कहाँ पे, तो गया में, एकदम ध्यान रखिएगा। आते हैं सीतामढ़ी, ये सीतामढ़ी वही है जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ था। सीता माँ का सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पे, सीतामढ़ी में। ऐसे भी ये सब भूल ही नहीं सकते आप लोग। दरभंगा राज्य का पहला तैरता सोलर बिजली प्लांट कहाँ पे, दरभंगा। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पे, दरभंगा में। बिहार का दूसरा एम्स जो है पहला पटना, दूसरा दरभंगा में ही, याद रहेगा ना आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
राज्य का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, ये भी दरभंगा में किया गया। मधुबनी, मधुबनी सुखेत मॉडल गाय के गोबर के बदले रसोई गैस, क्लियर है, गोबर गैस जिसको कहते हैं कन्वर्ट करना, ये कहाँ पे, तो मधुबनी में। गुप्तकालीन ईंट एवं सिक्का जो मिला वो कहाँ पे, मधुबनी। जब गुप्तकालीन की बात होती है तो दिमाग में तुरंत क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट, अच्छा गुप्तकालीन श्रीगुप्त वाला, वही जिसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, मौर्य वाला नहीं, गुप्त वाला। और आगे चल के फिर समुद्रगुप्त इसी से जुड़ा हुआ, आगे चल के अब विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वही उपाधि धारण किया विक्रमादित्य, और लास्ट एक और शासक कुमारगुप्त, कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, क्लियर है। आइए पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन में पहला स्थान जो रखा वो मधुबनी ने रखा। आते हैं मुजफ्फरपुर, जैसे मुजफ्फरपुर आता है दिमाग में आता, अच्छा अच्छा शाही लीची जीआई टैग जिसको मिला है ये वही मुजफ्फरपुर, बिल्कुल ये वही मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। एग्रो क्लस्टर में मुजफ्फरपुर है प्रथम स्थान में, किसान में मुजफ्फरपुर, उद्यमी में मुजफ्फरपुर, और राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क फर्स्ट जो है वो कगड़ी, पहला जो है यहां पे और दूसरा जो है खगड़िया में है। हल्दीराम द्वारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट ये कहां पे है, मुजफ्फरपुर में है। टीका वाली नाव ये कहां पे, मुजफ्फरपुर में। चमकी बुखार के लिए पीकू अस्पताल की स्थापना की गई है, ये तो अक्सर आप देखे होंगे चमकी बुखार, ये जब भी आता मुजफ्फरपुर में आता। पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया है ये भी कहां पे, तो ध्यान रखना मुजफ्फरपुर में। दूसरा डे केयर सेंटर खोला गया है SKMCH में, क्लियर है। नेक्स्ट जो है पहला टॉयलेट क्लिनिक तो ये कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में। आते हैं नालंदा लौट के, नालंदा में देखते हैं राजगीर स्थित पुलिस एकेडमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का ट्रॉफी मिला, किसको, नालंदा को। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंक वाला पहला जिला जो बना वो जहानाबाद। सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान जो रहा वो जहानाबाद में। लखीसराय पहाड़ी के ऊपर बौद्ध मठ का प्रमाण जो है वो कहाँ पे, लखीसराय में। नेक्स्ट आते हैं शेखपुरा, जैसे शेखपुरा की बात आते हैं तो गुड गवर्नेंस रैंक में जो है सर्वोच्च स्थान शेखपुरा का है। मुंगेर जमालपुर रेल कारखाना 175 टन देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है, कहाँ पे, मुंगेर में किया गया है। जमुई देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो मिला है वो कहाँ पे मिला है, जमुई में। सोना का क्षेत्र जो है 44% है जमुई में है, ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को पंचायत चुनाव 2021 राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आर्टिकल 243 आयुक्त दीपक कुमार इनके हैं। 11 चरणों में मतदान जो है 61% तक, 61-13 सबसे ज़्यादा मतदान जो हुआ वो 65% दसवां चरण था 24 सितंबर से 12 सितंबर तक, सीटों की संख्या 2.47 लाख थी। प्रत्याशित मेल जो थे वो 417,772 फीमेल 477,971। पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, पहली बार ये पंचायत में है याद रखिएगा, पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया, पहली बार ओसीआर तकनीक का प्रयोग किया गया। ओसीआर तकनीक का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, शुरुआत पालीगंज से किया गया और अंत जो हुआ वो दानापुर से हुआ। एकदम बड़ी 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 इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको। सबसे कम उम्र के जिला परिषद नवीन कुमार रून सैदपुर प्रखंड से हैं, और मुखिया में जो सबसे कम उम्र की थी वो अनुष्का थी। परिणाम जो हुआ निर्विरोध निर्वाचित हुए 32,801। सरमेरा प्रखंड के सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिला ही मुखिया बनी, सरमेरा ध्यान रखिएगा। ग्राम कचहरी पंच या वार्ड सदस्य 1,09,634। कुल ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी सरपंच मुखिया 8,067। अब थोड़ा सा समझते हैं कृषिगत उत्पादन में बिहार, ध्यान रखिएगा, प्रथम खीरा में है बिहार, ककड़ी में है, मखाना में है, लौकी में है और लीची में, कृषिगत में प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान में अगर बिहार है तो जूट जस्ता और मक्का में द्वितीय स्थान पर। अगर पहले स्थान पर पूछा जाए कि बिहार के कौन सा जिला मक्का में, तो फटाक से बोल रहा है कहाँ पर, बेगूसराय में। तृतीय स्थान में जो है मक्का सब्जी सूर्यमुखी आम फूलगोभी भिंडी आलू मशरूम। चलिए आईटी निर्माण बजट 2022-23 में आईटी टावर पटना में, आईटी पार्क बिहटा में, आईटी सिटी राजगीर में। सप्ताह दिवस नवजात शिशु सप्ताह दिवस 15 से 21 नवंबर, पुलिस सप्ताह 22 से 27 फरवरी, बाढ़ सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 जून।
बिहार में रोपवे संचालित दो जगह पे, राजगीर और बांका, इन दोनों जगह पे रोपवे संचालित है। प्रस्तावित जो टोटल 6 है, 3 गया में, जहानाबाद में 4, कैमूर में 5, रोहतास में 6 यहाँ पे प्रस्तावित है। आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ताकि मजा आ जाए। बिहार, आइए देखते हैं स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज रहेगा उतना ही बिजली होगा, और जैसे ही चार्ज आपका ख़त्म हो जाएगा मोबाइल की तरह, उसके बाद बिजली ऑटोमेटिक चला जाएगा। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत में किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, भारत में बिहार में पुलिसकर्मियों महिलाओं में बिहार है। एथेनॉल उत्पादन संवर्धी नीति 2021 में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बिहार बना। सभी जिला में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा? तो बिहार बना। थोड़ा सा ये सब चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब समझिए कि बटर क्वेश्चन है, इसको आप गलती से भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं वरना बर्बाद हो जाइएगा आप। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हुआ? तो बिहार हुआ। इंजीनियरिंग मेडिकल और खेल कॉलेज में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हुआ? बिहार हुआ। भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022-23 के अनुसार, ध्यान रखिएगा बजट 2022-23 के अनुसार कौन सा है? तो बिहार है। गन्ने से गुड़ उत्पादन करने के लिए उद्योग का दर्जा दिलाने वाला कौन सा राज्य हुआ? तो याद रखिएगा बिहार, यानी गन्ने से अब जो गुड़ बनेगा ये उद्योग का दर्जा हुआ और बिहार ये पहला स्थान रहा। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। डिजिटलाइजेशन भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में बनेगा। सभी जिला में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हुआ? बिहार हुआ। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार बना। मानसिक तनाव जो है दूर करने, जो अभी इस समय आप लोग को चल रहा होगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश, अगर आप मुझे दिल से मानते हैं, जो आप कहते हैं कि सुजीत सर मैं आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, नहीं मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपकी दुआ से मेरे पास सब कुछ है, मुझे अगर गिफ्ट दे सकते हैं तो ये जो बचा हुआ समय है एग्ज़ाम का टाइमिंग में, उस समय आप डिप्रेशन नहीं ले लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुर, और ब्रह्मपुर कहाँ है? तो बक्सर, बोसे ब्रह्मपुर, बोसे बक्सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरीके से डिजिटल हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना पूरी तरीके से डिजिटल है। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से जयनगर तक जो है बनाया जाएगा। बिहार सरकार की आगामी जो लक्ष्य है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कहूँ उससे भी कई गुना ज़्यादा है, बाकी आपको सोचना है। आइए, बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया 1 जुलाई 2022 से, रट जाइएगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7ों लक्ष्य को प्राप्त करने का समय सीमा क्या है? 2025 दो थे आत्मनिर्भर भारत के, ये पहला पूछ रहा है 7 निश्चय वाला, तो 2025 है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2025 तक। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, और टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2025 तक। हेपेटाइटिस भी क्या है? एक बीमारी है, और टीबी भी क्या है? एक बीमारी है। वो एलईडी एलसीडी वाला टीबी नहीं, ये बीमारी वाला टीबी है। मैं जानता हूं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, आप जरूर जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर है। आइए, भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग बिहार में क्या है, थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं आपसे। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, बिहार का स्थान 17वां स्कोर रहा। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में सूची 10वां नंबर पे बिहार आया, और 10वां नंबर में जो आया वो अरवल के चौराम थाना आया। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे ज्यादा गरीब जो है, बोलने की जरूरत नहीं, बिहार ही आएगा, 61.91% लोग जो है वो गरीबी रेखा में है। नेक्स्ट आते हैं, आइए,
भारत नवाचार सूचकांक 2.0 2020 यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पे बिहार का रहा, स्कोर 14.48। बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ भी सकते हैं, ऐसे भी मारिए बिहार सही हो जाएगा। सब में स्थिति हमारी खराब है, बस जनसंख्या में टॉप में है। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 पटना नगर पालिका का स्थान जो है 16 माया। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्य में सबसे अंतिम स्थान पे बिहार रहा, 20वां नंबर पे। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, दूसरा स्थान मुजफ्फरपुर, तीसरा स्थान औरंगाबाद, चतुर्थ स्थान बांका और पांचवा स्थान शेखपुरा का रहा। नेक्स्ट है बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता सूचकांक में बिहार का स्थान तीसरा रहा, स्कोर 51.82%। बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें सबको नहीं देखना, जो है इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय केरोल याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा हमेशा चर्चा में रहते हैं याद ही होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू जी के छोटे बेटे, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद उपसभापति अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष ये राबड़ी देवी हैं, बस इनको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ महाधिवक्ता ललित किशोर याद रख लीजिएगा, पुलिस निर्देशक डीजीपी कौन है एसके सिंगल सर, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य के नए सूचना आयुक्त त्रिपुरी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी, लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, हमें पता है आपको याद नहीं होगा लेकिन जो जरूरत है वो मैं टिक जरूर कर दूँ, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RK महाजन, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है संजय कुमार, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन है विनोद कुमार सिन्हा। आइए चलिए, राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है तो अंजना मिश्रा, नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा जिला अव्वल पे रहा तो नवादा कृषि क्षेत्र में अव्वल पे रहा, हाल ही में किस भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निर्धन हो गया तो मानस बिहार वर्मा जी का निर्धन हो गया, बिहार रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बना नवीन वर्मा बने, RL भाटिया का निर्धन हो गया, वह कब और कब तक बिहार राज्यपाल रहे 10 जुलाई 2008 से 28 जून 2009 तक, ऑपरेशन खुकड़ी पुस्तक के लेखक कौन है मेजर जनरल पुनिया एवं दामिनी पुनिया, पुनिया और दामिनी पुनिया ये दोनों रहे ऑपरेशन खुकड़ी, क्या है ऑपरेशन खुकड़ी थोड़ा सा देख के मुझे बताइए कमेंट में, मैं ज़रूर इंतजार करूंगा आपके आंसर का। मंजूषा कला के पितामह कहे जाने वाले किस व्यक्ति का निर्धन हो गया ज्योतिष चंद्र शर्मा जी, आप जब भगवान की दुआ से आपकी मेहनत आपका साथ दे दे, माँ बाप का दुआ रहे तो आपको मेंस जब पढ़ाएंगे तो मंजूषा सैलीक जरूर बताएंगे जो कि भागलपुर के साइड का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा। बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है अब्दुल बारी सिद्दीकी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बैडमिंटन चर्चा में आ गया है जब से PV सिंधु आई हैं, हालांकि सानिया नेहवाल से ही चर्चा में था लेकिन यहाँ बाद और चर्चा में हो गया। नेशनल हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में किसे जो है सम्मानित किया गया, डॉक्टर पारेश कुमार जो कि पूर्णिया के है, ये हेल्थ से है रिशु इसलिए इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में कोसी नदी के तट पर किस सभ्यता के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं, चंपा सभ्यता है उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं भागलपुर के कोसी नदी पर, वैसे ही साक्ष्य मिले होंगे जब पहली बार जो है सिंधु नदी की सभ्यता में हड़प्पा का साक्ष्य मिला होगा शायद, ऐसे ही सोचें। देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहां किया जा रहा है तो पटना के करबीगहिया थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में। मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 किसे चुना गया, ऋचा कुमारी को, मूलतः बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा का महासचिव बनाया गया, उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा का सचिव बनाया गया। बिहार के किस व्यक्ति ने 16,000 फीट की ऊंची माउंट फ्रेंडशिप पर तिरंगा फहराया, निशु सिंह जो कि जमुई के हैं, ध्यान रखिएगा। किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक बनाया गया, डॉक्टर अजय माथुर जी को बनाया गया। चलिए यहाँ के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ के बाद आपकी बाज की तरह नज़र होनी चाहिए, दुनिया में कोई भी काम है ना सारे काम को साइड कर दीजिए। बिहार से बाहर जो बच्चे हैं जिनको बिहार से डर लगता है, यकीन मानिए मेरा इस वीडियो को देखिए, आपका डर हम दूर भगा देंगे, आपको यकीन के साथ कह सकते जो कंसंट्रेशन से इस वीडियो को देख लिया, 2-3 बार जी लिया, उसका अगर एक भी गलत हुआ क्वेश्चन और इससे बाहर आया तो आप मुझसे कहना, ये बात आपसे एकदम नजर मिला के बात कर रहा हूं, आप समझो मेरी बात को। आइए,
चलें, बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटल भूमि संबंधी दस्तावेज घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। बिहार पहला ऐसा होगा पूरे हिंदुस्तान में। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार जो है 13वां स्थान पे है। ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक निकाय वाले में बिहार 13वां स्थान पे है। और बिहार के सुपौल जिला को पूर्वी क्षेत्र का बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड दिया गया। किसको? सुपौल जिला को दिया गया। अब सुपौल थोड़ा देखिए, उत्तर में है, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, बताइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गंगा नदी के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान दिया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण, मुंगेर को पहला, पटना को तीसरा। नेक्स्ट है बिहार स्वच्छ रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया बिहार। चैंपियन ऑफ चेंज और डेल्टा रैंकिंग जारी की है। दुमका, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद जिस रैंक में शीर्ष 5 में है और बिहार के 4 जिला इसमें शामिल है। मुजफ्फरपुर गोपालगंज जिले के कालाजर मुक्त होने पर केंद्र सरकार की ओर से 8-8 लाख पुरस्कार दिया गया है। मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में कालाजर ये बीमारी होता है, इस दूर हो गया। मुजफ्फरपुर गोपालगंज केंद्र सरकार 8-8 लाख रुपया पुरस्कार दिया है। तेलंगाना राज्य अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव के तकनीक को अपनाएगा। तेलंगाना अब जिस पंचायत चुनाव से हमने करवाए अपने राज्य बिहार में, अब तेलंगाना भी यही अपनाएगा। बताइए तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, जरा मुझे कमेंट कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। वर्ष 2025 तक बिहार में निर्यात के कुल 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% तक का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। कब तक? 2025, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों पर बिक्री के मामले में बिहार देश में 4थे स्थान पर है। पूरे हिंदुस्तान में बिहार 4थे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों में। ई भंडार प्रणाली लागू करने वाला देश का बिहार जो है पहला राज्य बन गया ई भंडारण प्रणाली। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन का गोल्ड पुरस्कार मिला है। साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। बिहार सरकार ने 2025 तक मुफ्त में हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। सड़क दुर्घटना पीड़ित के जीवन को बचाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा गुड सेमेरिटियन योजना बनाया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किशोरियों महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला और किशोरियों के स्वास्थ्य सुविधा को प्रदान करने के लिए नव्या योजना, याद रखिएगा, नव्या योजना किससे जुड़ा हुआ है? किशोरी और महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए। उग्रवादियों की संपत्ति को जब्त करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर पुंडुका पुल का निर्माण किया जाए जिससे बिहार और झारखंड को जोड़ा जाएगा। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण किया गया है। बिहार के बक्सर जिले में ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल इंडिया लिमिटेड के साथ में यहां समझौता किया गया है जहां पे बनाया जाएगा। कहां? ब्रह्मपुर, बक्सर के। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने गन्ने से गुड़ उत्पादन उद्योग का दर्जा ऐसा करने वाला बिहार पहला देश बना। और बिहार महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पे पुलिस फोर्स महिलाओं के प्रतिशत सबसे अधिक है पूरे हिंदुस्तान में। यह भारत एक भारत श्रेष्ठ अभियान के तहत बिहार त्रिपुरा का सह भागीदारी बनाया गया है। त्रिपुरा के साथ में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के प्रशासन रग्बी खेल को गोद लेने का जो है फैसला किया है। आइए, बिहार के प्रसिद्ध शिक्षिका डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित यादान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। बिहार के रोहतास जिले से संबंधित दीपक कुमार चौधरी को बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां पे मालिकों को उसकी जमीन का नक्शा घर तक पहुंचाया जाएगा। बिहार के ईशान किशन T20 वनडे में डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर 2020 में और अपने 50-50 में भी अर्धशतक 50 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। बिहार राज्य बीज निगम पटना अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में बीज उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया। बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों पर आधारित पुस्तक 1 2
32 किलोमीटर द लॉन्ग जर्निंग होम हाल ही में प्रकाशित की गई, जो विनोद चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान जो है ये तीसरा, याद रख लीजिएगा। प्रथम स्थान उड़ीसा का है, मशरूम उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है, तीनों याद रख लीजिएगा। कोरोना काल के दौरान तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया और बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुशिया गांव में स्थापित किया गया, अररिया के कुशिया गांव में स्थापित किया गया है। मार्च 2021 में बिहार सरकार ने एथेनॉल नीति को मंजूरी दी है, एथेनॉल नीति को अपनाने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए बिहार के सुपौल जिला में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया गया। 27 फरवरी 2021 को भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने पटना हाईकोर्ट में नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है। बिहार के गोपालगंज में देश की पहली बार जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, गोपालगंज में। तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो आपका 36 मिनट का टाइम हमने लिया, इस 36 मिनट में पूरे एक साल का बिहार क्रेडिट आपके मुट्ठी में दे दिया हूँ। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि कम से कम 7 दिन बचा हुआ है, 7 से लेकर 10 बार तक इसको एक बार बस सुन लीजिए सोने से पहले, और जिस समय दोपहर में आप खा के सोना चाहते हैं उस समय यकीन मानिए एक भी गलत नहीं होगा। बाकी सोचना आपको है, मुझे जो हम करना था हमने वो कर दिया, आपको दे दिया, अब आप कैसे इसको लेते हैं। और अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9334710148 पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।